2014 से जो ग्राफ 2019 में गिरा, कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव नहीं रहा। ये बीजेपी की मैं मानता हूँ एक सोची समझी राजनीति 2013 से है। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चल सकती, ना ये राहुल गांधी जी से अकेले चल सकती, ना प्रियंका गांधी जी से अकेले चल सकती। जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है, उनके एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा उतरने का प्रयास करना, ये सोच के भूल जाइए कि यार मैं उस फलां घराने से आता हूँ इसलिए मुझे जनता वोट देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक दौर था जब कहा जाता था कि राजनीति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अच्छा राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन बनने के लिए एक तजुर्बा और अच्छी खासी उम्र का होना जरूरी है। लेकिन अब दौर बदल गया है जनाब, क्योंकि अब देश के राजनीति क्षेत्र में युवाओं ने जिस तरह से हर राज्य और हर जिलों में कहें कि जिस तरह से कमान संभाली है, आज देश की जनता हर तरह से देख रही है कि युवा आगे बढ़कर राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं और देश सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान के रूप में जुड़ रहे हैं अमित सिहाग, कांग्रेस एमएलए, डबवाली विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, जहां से कांग्रेस विधायक के रूप में पहली बार चुनकर आज जनता की सेवा में समर्पित हैं। स्वागत है अमित जी आपका। धन्यवाद दीक्षित जी। अमित जी, बात उठी है युवा शक्ति को लेके, और कांग्रेस भी शुरू से युवाओं के ऊपर जोर देती है कि युवा आगे आएं और आगे बढ़कर देश सेवा में लगें। आपको पहली बार ये मौका मिला, चूंकि हालांकि आपने पहले भी यूथ कांग्रेस में आपने अपनी सेवाएं दी, और अब आप जनता के बीच में जाकर कांग्रेस को और एक विधायकी के रूप में आप जनता की सेवा में लगें, तो किस तरह का है ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन? चूंकि सेवा तो आप ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन अब एक विधायक होने के नाते अब आप सरकार में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस तरीके से जब मैंने चुनाव लड़ा, उस समय मैंने एक दो बातें रखी थी जनता के बीच में, और मेन मुद्दा जो हमारा था कि यहाँ की व्यवस्था की परिवर्तन करने का। जो मेरा क्षेत्र है, क्योंकि एक ये कह सकते हैं पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज चौटाला परिवार, और से मैं मानता हूँ उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी भी आए हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं। तो ऐसे क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, फिर भी जब 10 साल पहले तकरीबन 2009-08 में मेरे पिताजी ने वहाँ पर राजनीति करनी शुरू की थी, तो वहाँ कोई विकास की बात नहीं किया करता था, राजनीति बहुत ही अलग तरह की थी। तो हमने एक मुहिम उसी समय से छेड़ी थी कि यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन करना है, और दो ही तरह की राजनीति की बात हो जो होनी चाहिए, एक विकास की बात हो, एक शराफत की बात हो। तो इन दोनों को लेकर हम चले। एक छोटा सा मैं मानता हूँ, मेरे पिताजी ने वहाँ पर एक बंजर भूमि थी कांग्रेस पार्टी, 1991 तक के बाद कभी जीती नहीं थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने एक बीज बोया, सिंचाई की, बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी योगदान है, और करते करते उसको आज एक एक मैं मानता हूँ एक बड़ा वृक्ष बनाया। और 2019 में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे मौका दिया, और मैं मानता हूँ उसी उसी कहीं ना कहीं वो जो हार्डवर्क रहा इतने वर्षों का, जो परसिस्टेंस रहा, जो पेशेंस रहा, उसी के बदौलत आ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि क्या फ़र्क जानते हैं, एक आप संगठन में काम करते हैं तो एक संगठन को बढ़ाने की आपकी एक जिम्मेवारी होती है, मगर आज मैं मानता हूँ जो 2 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया, सही मायने में जनता के मुद्दे हैं, जो हल्के के मुद्दे हैं, उन पे खड़ा उतरना एक और भी बड़ी अहम जिम्मेवारी है। तो मैं मानता हूँ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से जिस वायदे के साथ मैं बनकर आया हूँ व्यवस्था परिवर्तन का, उसके ऊपर मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। अमित जी, आपका जो क्षेत्र आता है वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल दृष्टिकोण से काफ़ी चैलेंजिंग है अपने आप में, बिकॉज एक तरफ पंजाब की सीमा लगती है, दूसरी तरफ राजस्थान की, और ऐसे में जिला भी नहीं है डबवाली अभी, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, चाहे वो पुलिस हो या और तरह का जो अधिकारी जो ऑफिसर्स हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम होती है वहाँ पे फोर्सेस, और ऐसे में बॉर्डर एरिया होने के नाते वहाँ पे, क्योंकि पंजाब हम जान रहे हैं जो मेन इफेक्टिव हरियाणा का ये जो एरिया है पंजाब से सटा, हम लोग पढ़ते हैं और लिखते भी हम लोग मीडिया में होने के नाते कि वहाँ पे नशे की खेप की जो एंट्री हो रही है वो उन क्षेत्रों में, सिरसा डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इससे, और राजस्थान से भी इस तरह की, क्योंकि बॉर्डर एरिया होने के नाते ऐसी वारदात वहाँ बड़ी होती है, तो इस चीज़ को किस तरह से आप चैलेंज के रूप में देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने एक नारा दिया था चुनाव से पहले, और इसको मैं सार्थक करने के लिए लगा हुआ, जवानी बचाओ किसानी बचाओ। जहाँ जवानी बचाओ का था वो ड्रग्स से संबंधित था, कि ड्रग्स की किस तरीके से रोकथाम हो सके, और किसानों की जो स्थिति है,
और मैंने शुरुआत से ही प्रयास किए। पहले मैंने एक अनोखा अभियान शुरू किया था जिसमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं का एक संकल्प दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया, जिसमें एक खेल प्रतियोगिता कराई थी, एक 1600 मीटर की दौड़, और हमारे यहाँ पर युवाओं ने भाग लिया। और मेरे पास सबसे, मैं मानता हूँ, मेरे लिए जो सबसे मोटिवेटिंग बात थी, बहुत दिल को छूने वाली बात भी थी, कि जब मैंने इसकी सूचना तकरीबन एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे दी, मेरे पास राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक के, बिहार से लोगों के, एक बिहार से तो एक कोच का मेरे पास फ़ोन आया बकायदा, और उन्होंने कहा कि जी हम इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम मेरे जो नीचे बच्चे ट्रेन करते हैं, बड़े गरीब हैं, बट मैं उनकी फीस भर के, मतलब उनकी ट्रेन की टिकट खुद काट के, मैं आपकी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। बट जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है बॉर्डर की, एक तरफ राजस्थान है जहाँ से अफीम का काफ़ी ज़्यादा, मैं मानता हूँ, मात्रा में आती रही है, और अब ये पंजाब जो आप सभी जानते हैं कि एक तरीके से चिट्टे का हब बनता गया, और वो अब जब भी वहाँ पे सत्ताई होती है, सरकार जो वहाँ की करती है, तो ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर घुस के आते हैं, बिकॉज एक सेंसिटिव बॉर्डर है। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता, मैं मानता हूँ, कि जब तक एक तो सामाजिक क्रांति जिसकी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, एनजीओज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर एक प्रशासनिक है, प्रशासन ने कोशिश ज़रूर की है, जो आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में कोशिश की है। बट वो अगर प्रशासन से भी बात करें, चाहे वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों से, वो खुद मुझे कहते हैं केवल हमारा सफलता हमें 10 से 15% हासिल हुई है, बिकॉज हमारी एक लिमिटेशन है, आंकड़े बढ़े हैं शायद, मुझे नहीं आंकड़े समझ। बहुत ज़्यादा है, आंकड़े मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर आज की तारीख में ये सबसे नंबर हब पे है। तो मैं इसी को लेकर अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था, और मैंने इस बात में एक डिमांड रखी कि इसको एक जिला बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे, और मैंने मुख्यमंत्री जी से जब ये बात शुरू की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैंने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे जिलों की डिमांड पॉलिटिकल कारणों से आती है, कि मैं पॉलिटिकल प्रेशर है या पॉलिटिकल कारण है कि इसको जिला बना दिया जाए, मगर मैं ये डिमांड जनता की भावनाओं के साथ साथ जरूरत के हिसाब से लेकर आया हूँ। और जरूरत ये है जो आपने अभी बताया कि एक सेंसिटिव बॉर्डर है, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड जोन है, अगर आज की तारीख में इस एरिया को आप नशे से बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता है इसको जिला बनाने की। और ऐसा कोई भी, अगर दो जिलों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, आप अंबाला और पंचकुला में देख लें, करनाल और पानीपत में देख लें, 30 किलोमीटर का होगा 45, मेरा जो क्षेत्र है डबवाली और वहां से जो अभी का जिला सिरसा है उसमें 60 किलोमीटर का अंतर है। तो हर दृष्टिकोण से ये जिला बनने के लिए उपयुक्त है। और मैंने उन्हें एक आगे सलाह भी दी थी कि अगर इनकेस कि आपको लगता है इसमें करने में देरी, आप और एक लंबा प्रोसीजर है और इसमें बड़ा एक विल चाहिए करने के लिए, अगर उसमें समय लगेगा, तो मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन अभी आपको देना चाहता हूँ कि जैसे आपने हांसी को 2016-17 के आसपास जब वो उसे पुलिस जिला बनाया था, वहाँ पे आप सभी जानते होंगे, वहाँ पे एक ऐसा समय था वहाँ पर जो फिरौती का बहुत बड़ा गैंग था और बहुत ज्यादा क्राइम था, जो जो उद्योगपति थे वो डरते थे वहां पे, हर रोज मर्डर और क्राइम की घटनाएं, हिसार जैसे बड़े शहर के पास था। हाँ, तो उन्होंने पुलिस जिला बनाने के बाद वहां पे एक तरह से, मैं मानता हूँ, सफलता हासिल हुई। तो वही अगर आप फैसला ले लें, तो अगर अभी जिला नहीं बना सकते, कम से कम इसको पुलिस जिला बनाने का जरूर काम करें। तो उन्होंने उस समय मुझे एक आश्वासन दिया था कि हम इसे सार्थक रूप से सोचने का काम करेंगे, सकारात्मक रूप से सोचेंगे। और तो मेरा प्रयास अभी ये शुरुआत है, और आशा करता हूँ जितने भी पार्टी वाले हैं बिना कोई पॉलिटिक्स किए सभी साथ मिलकर इसको कोशिश करें। अमित जी, आपने एक बात कही अभी कि जवानी बचाओ किसानी बचाओ, तो जवानी बचाओ पे अगर हम आए हैं तो यूथ की आपने बात करी है कि अगर यूथ स्ट्रांग रहेगा तो आगे तभी देश और समाज बढ़ेगा। 2014 के टेन्योर में जो अभी करंट सरकार चल रही है, उस वक्त के भी तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो अनिल विज हुआ करते थे, और उन्होंने योग व्यायाम शालाओं को खोलने का एक अनाउंसमेंट किया था, अगर आपको याद हो। कहीं ना कहीं धरातल पे वो चीज़ें इंप्लीमेंट शायद आज तक नहीं हो पाई हैं पिछले 5-6 साल के गैप में। तो क्या आप अपने स्तर पे प्रयास रहते हैं, आप भी हालांकि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये विरोधाभास है सरकार की, जो नीतियां चल रही हैं, जो डायलॉग कुछ कहे जाते हैं और जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई है वो शायद टाइम लेती है लेने करने में? देखिए, मैं टिप्पणी ना करते हुए, मगर मैं वास्तविकता, बात आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी बातें केवल राजनीतिक प्रोजेक्शन के लिए, परसेप्शन बैटल के लिए की जा रही हैं, कि आपने नारे बड़े बड़े दिए, और मैंने पिछले विधानसभा स्तर पे भी ये बात उठाई थी जब हमारा बजट सेशन था, मैंने कहा कि हम नारा दे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब क्राइम रेट देखते हैं लड़कियों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ, वो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। फिर हम ये कह देते हैं कि भाई जैसे गऊ हत्या की बात हो रही थी, गऊ माता की बात जरूर करते हैं, मगर वही गऊ माता आज सड़कों पर बेसहारा घूमती दिखाई देती है। और जिस तरीके से युवाओं की बात कर रहे हैं,
कि भी हम युवाओं को रोजगार देंगे, जैसे पूरे देश की बात हुई थी 2 करोड़ रोजगार, हरियाणा में आके नए नए रोजगार पैदा होंगे। और जो आज आंकड़े बताते हैं बेरोजगारी में, अभी पिछली बार, और ये फैक्ट्स हैं कि आज की तारीख में बेरोजगारी में तकरीबन चार, जो कोरोना का टाइम आ गया, 40%, उससे पहले भी तकरीबन नंबर एक में थे, एक दो छोटी स्टेट्स को छोड़ के, और आज की तारीख में 40% लोग हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं, तो आपके सामने विरोधाभास है सही मायने में। और अगर आप इसको सही मायने में सार्थक करना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ कई बार हमें अपनी राजनीति से उठना पड़ेगा। केवल हमें नारे देने तक सीमित रह के आप जनता को बुला नहीं सकते। एक बार शायद जनता आपकी बात पे विश्वास कर लेगी, पर अगली बार जनता आपसे मांगे, और अब मांगती है आज सड़कों पे हर कोई। आप कोई ऐसा वर्ग, आप मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसा वर्ग हो जो सड़कों पे ना उतरा। किसानों ने कल ट्रैक्टर यात्रा की, किसान विरोध पे लगे हुए हैं जब से प्रोक्योरमेंट का सीजन, उससे पहले हर एक कर्मचारी पिछले 5 वर्षों में भी और अभी सरकार बनने के बाद भी सड़कों पे उतरा हुआ है। पीटीआई टीचर्स कहीं बैठे हैं, कहीं और बैठे हुए हैं, तो हर जगह पे कोई ना कोई समस्या नहीं चल रही। मगर हम से केवल और केवल नारे परोसते रहेंगे, आज एक साल एक दे दिया, दूसरे साल दूसरे दे, उससे बात नहीं बनेगी। तो मेरा यही कोशिश है, विपक्ष के नाते भी मैं एक सकारात्मक रूप से, जो सरकार हमारी मदद चाहती है हम जरूर करने को तैयार हैं, मगर उनका भी तरफ से 2 कदम की पहल होनी जरूरी है कि आओ सब कुछ ये मतलब ये नारों से हटकर जमीनी वास्तविकता की तरफ चलें, तो बहुत जरूरी आप काफ़ी अरसे से, आप तो खैर कांग्रेस से ही आपका जुड़ाव है, आप यूथ कांग्रेस में रहे, उसके बाद आप पहले ही अटेम्प्ट में आपने डबवाली जैसी हाई प्रोफाइल सीट के ऊपर आपने अपनी जीत दर्ज की, और आज आप विधायक के रूप में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इन्हीं विधानसभा इलेक्शन में अच्छे अच्छे दिग्गज हैं, नाम लेने की शायद जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, कईयों की तो जमानतें भी जब्त हुई हैं, और कुछ लोग जो सोच के भी नहीं सोच पाते थे कि मेरे राजनीतिक करियर में ऐसा होगा, इतनी बड़ी हार का सामना उन्होंने किया कांग्रेस पार्टी ने। तो इस हाशिए पर जो पार्टी गई है, उसके पीछे आपको क्या लगता है, यूथ होने के नाते कि कहाँ पे जुड़ाव की कसर रह गई है हरियाणा की राजनीति में? मैं सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं कहूँगा, किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से जो मेरा दृष्टिकोण है, आज की तारीख में 2014 में लोग कहा करते थे कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर हरियाणा में, क्योंकि जब चुनाव हुआ मोदी साहब बनकर आए थे, एक बहुत बड़ी लहर थी, उसके बाद तुरंत हमारा चुनाव हुआ, और उस समय ये कहा करते थे। मगर उस समय भी जो डबवाली हल्के में मेरे पिताजी जब लड़े, और ऐसा आप जानते हैं बहुत ही टफ सीट मानी जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसमें भी हम तीसरे नंबर पे, पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे तीसरे नंबर पे हैं। और मैं इसका कारण सिर्फ अपने ये नहीं कि हमने कोई अपना बूस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा था सिर्फ क्योंकि एक जनता के साथ हमारा निरंतर जुड़ाव रहा। जब तक ये राजनीति किस चीज़ की है, राजनीति पार्टी से आप जरूर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर जनता की राजनीति, जनता की आवाज़ बनकर आप वहाँ पर, अगर आप जनता की आवाज़ सुनने नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता की जो आकांक्षाएं उनसे पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप चाहे कितने भी बड़े नेता हो, कहीं ना कहीं कल आज की तारीख में जनता आपको इग्नोर कर देगी, आपको हटा देगी। 2014 से जो ग्राफ 2019 में गिरा, कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव नहीं रहा। ये मैं मानता हूँ कि ये दोनों पार्टियों में, आप देखिए बीजेपी के कितने बड़े दिग्गज नेता आज सरकार में जो मंत्री रहे वो चुनाव हार गए। कारण क्या है? कि कारण ये है कि सिर्फ आप नारे परोसते रहो या एक लाइमलाइट में रहो, उससे बात नहीं बनेगी। आप आज जनता कहती है, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, या एक साधारण नेता हो, एमएलए हो, आज आप जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है, उनके एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा उतरने का प्रयास करना, ये सोच के भूल जाइए कि यार मैं उस फलां घराने से आता हूँ इसलिए मुझे जनता वोट देगी। जनता जब भी वोट देगी आज की तारीख में, जब वो देखती है कि ये व्यक्ति उपयुक्त है, बहुत समझदार है जनता, और मैं मानता हूँ उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। राजनीति को बदलने का काम सही मायने में वो कर रहे हैं, जब इस तरह की, चाहे बड़े से बड़ा नेता उसको हराने का भी जब काम करते हैं, तो वो एक तरीके से राजनीति में बदलाव लाते हैं कि हम आज ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि भाई आप सिर्फ हमें, हमारी आवाज़ ना सुने और केवल अपनी बात करें। अमित जी, देश की बड़ी विपक्षी पार्टी जो आज सत्ता में भी है देश में, वो कांग्रेस पर परिवारवाद की नीति, राजनीति का आरोप लगाती है और कहती है कि कांग्रेस में केवल और केवल परिवारवाद को बढ़ावा है। कांग्रेस उसके उलट ये कहती है कि नहीं, जाति के आधार पर बीजेपी ने या विपक्षी पार्टी ने करी है राजनीति, कांग्रेस कभी इस पे नहीं करती। क्या कहना है आपका, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये परिवारवाद की जो बात है, जो सही मायने में एक तरह के मान लो कि जनता को उकसाने के लिए की जाती है जिस तरह की है, इसमें मैं कोई आधार नहीं मानता। और इसका कारण है, आप कोई व्यवसाय देख लीजिए, चाहे वो आज की तारीख में कोई मीडिया से, कुछ मीडिया हाउसेस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप ये मान लीजिए टीवी एक्टर से लेके आप जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में लेगेसी आप कह रहे हैं, एक लेगेसी आती है,
इसमें लाजमी है, कोई अगर एक परिवार एक प्रोफेशन की तरफ है, आज एक किसान को ले लीजिए, एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, अगर उसके बेटे के पास 100 एकड़ जमीन है आज की तारीख में, वो भी अपने बेटे को देकर जाता है, तो ये कहना कि भाई उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गई और दूसरे को, एक ये एक अमित लेगेसी जी, है। लेकिन व्यवसाय अलग है और शायद राजनीति को सेवा के रूप में देखा नहीं, जाता सेवा है। के रूप में, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक एक्सपीरियंस की आपने जो बात की, आज अगर वो एक एक्सपीरियंस अपने फादर अपने बेटे को देकर जाता है या अपनी पुत्री को देकर जाता है, तो वो एक एक्सपीरियंस है, एक वो लेगेसी है। अब मैं इसमें, मैं आगे की बात जो अहम बात है वो कहना चाहता हूँ, जब मैं मानता नहीं कि परिवारवाद की है, अगर उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी, और आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो बिजनेस से लेके और पॉलिटिक्स में भी आपने देखे होंगे, कई सारे ऐसे घराने हैं जो फेल हो गए, जो बंद हो गए, क्योंकि जनता, मैंने जैसे कहा, आज की तारीख में जागरूक है, एक बड़े से बड़े नेता को भी चित मारती है अगर आप अपना काम नहीं कर रहे। तो इसमें आपको ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि एक परिवार से आया है, अगर मेरे में क्षमता होगी, आज मैं अगर यहाँ पे एमएलए बनकर आया हूँ, तो कहीं ना कहीं पे हमने, जनता ने वो एक क्षमता देखी है, अगर मैं 5 साल उनकी क्षमता पे नहीं खड़ा होता था, तो वो किसी और को मौका देगी, तो यह मान के चलिए। पिछले समय में राहुल गांधी के जो इस्तीफे को आप उसी दिशा में देख रहे हैं जो उन्होंने अध्यक्ष पद से दिया था। देखिए, उन्होंने एक, उनमें मैं कह सकता हूँ एक मॉरल कंपस है, जो मैं मानता हूँ आज की नेता, बहुत सारे लोगों ने क्या है कि एक मशीनरी चल रही है जो टारगेट करने पे लगी हुई है, ये बीजेपी की मैं मानता हूँ एक सोची समझी राजनीति 2013 से है। उन्होंने कहा कि अगर हम शीर्ष नेतृत्व को टारगेट करेंगे, ताकि लोगों को एक माइंड में कंपैरिजन भर दिया जाए कि भी ये तो ऐसे हैं और हम ऐसे हैं, चाहे वो कितनी भी गलतियां करें, ताकि हम जनता को गुमराह करने का प्रयास करें, ये मेरी एक सोच है। मगर इसमें मैं मानता हूँ उनमें, जैसे मैंने कहा, एक मॉरल कंपस है। जब कहीं पे कोई व्यक्ति मानता है कि परफॉर्मेंस, मैंने पूरा प्रयास किया, अगर परफॉर्मेंस में कुछ कमी रही, तो उन्होंने ऐसे एक लीडरशिप का उदाहरण देते हुए सीधा कहा कि भी मैं आज की तारीख में छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैंने पूरा प्रयास किया, पर मैं शायद पूरी तरीके से उसमें सफल नहीं हुआ जनता की आकांक्षाओं में, और उसके बाद मैं फिर से दोबारा ग्राउंड वर्क करूंगा, होमवर्क करूंगा और उसके ऊपर निकल कर आऊंगा। और वही वो प्रयास दोबारा से कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, और उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा विश्लेषण किया, जो कई बार आप देखते हैं कि कई दिनों तक राहुल जी दिखाई नहीं दे रहे, वो मैं लोकप्रियता के मानता हूँ रूप एक। में आप किस तरह से देखते हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता अच्छी है या प्रियंका गांधी की? देखिए, मैं दोनों की अलग अलग क्षमताएं हैं, मेरे पिताजी और मैं जैसे काम कर रहे थे, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति, आज आप यहाँ पर पत्रकार के रूप में हैं, और जैसे हमारे सीनियर पत्रकार बैठे हैं, उनकी कार्यशैली में अलग हो सकती है, उनकी अबिलिटीज अलग हो सकती है, उनकी तरीका अलग हो सकता है, पर हर किसी का अपना अपना एक एक एक्स फैक्टर भी होता है, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, हर किसी की अपनी अपनी गुणवत्ता भी होती है, और मैं मानता हूँ दोनों में, हमारे दोनों नेतृत्व जो हैं, अलग अलग तरीके से वो, उनमें एक गुणवत्ता है, उनमें एक पोटेंशियल है, और वो कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से, तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं करता। ये एक पार्टी चलानी है, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चल सकती, ना ये राहुल गांधी जी से अकेले चल सकती, ना प्रियंका गांधी जी से अकेले चल सकती, ना मुझसे, अगर मैं अपने एरिया में अकेला निकल जाऊं, तो मुझसे, जब तक हमारे पास जनता का, जब तक मुझे पास कार्यकर्ता की टीम नहीं, अगर आज मोदी जी भी अकेले चले जाएं और आरएसएस पीछे छोड़ दे उनको और उनका हाथ खींच ले, तो आज मोदी जी भी, मैं मानता हूँ, जो लोग चाहते मानते हैं, वो चुनाव जीतना उनके लिए भी उतना ही कठिन रहेगा जितना किसी इलेक्शनों पार्टी के बाद आपने एक बात कही थी जब ये सरकार का गठन हुआ कि ये बेमेल का गठन है, ये बेमेल की सरकार है, तो कुछ खास रीजन रहा होगा आपकी नहीं, एनालिसिस बिल्कुल कोई? सीधी सी बात है, आप ये देख लीजिए कि जो पार्टी ये कहा करती थी, मैं, और सबसे बड़ा लोगों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उस क्षेत्र से आता हूँ, जेजेपी की बात जो है, जेजेपी किस बात, किस आधार पे अपने आप को खड़ा कर रही थी, उन्होंने सीधा कहा कि हम देवीलाल जी की नीतियों पे चलकर आते हैं, उन्होंने सीधी एक ही बात कही थी, उन्हीं के फैसलों पे करेंगे आगे आगे। देवीलाल जी ने एक सबसे बड़ी, और जो मैं सभी को, खासकर जो यंग जनरेशन है उसको कहना चाहूंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, अगर आप मुझे वोट नहीं देना चाहते, तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी किसानों के बारे में सोच सकती है, अगर, मगर कभी भी भाजपा, उस समय उन्होंने कुछ और टर्म लिया था, उनके अटायर को देखते हुए भाजपा भी कोई और टर्म लगाते थे, यूज करते थे, उस टाइम जनसंघ और का समय होता, कभी इन पे विश्वास ना कीजिएगा। तो ये पार्टी, उन्होंने पूरे टाइम कोसते रहे मुख्यमंत्री को, पूरे टाइम कोसते रहे इस सरकार को, पर जैसे ही पहली अपॉर्चुनिटी बनी, उन्होंने कहा जी हम तालमेल बनाएंगे, हम तालमेल बनाने को तैयार हैं, बिकॉज शायद उनकी मंशा और आकांक्षाएं कुछ और थी, उन्होंने 10 दिन के अंदर अपनी पूरी रूपरेखा बदल ली। तो आज अगर आपके पास कोई भी एक मॉरल हाईग्राउंड नहीं है, तो आप इस राजनीति में, मानता हूँ, बेमानी है, और इसलिए मैं कहता हूँ ये बेमेल की कोई तालमेल बनाने का जरूर प्रयास करते हैं, आए दिन उनके खुद के विधायक कहीं ना कहीं कुछ बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, मगर इन ना कोई विचारधारा मिलती, और जो जो इनके आदर्श रहे हैं
वो तो खुद ही इनको सतर्क करते थे कभी भविष्य में इनके साथ तालमेल ना कर करीब लीजिएगा। एक साल होने को चला है अमित जी ये सरकार के गठन में, और विपक्ष खासकर आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो हर तरह के इल्ज़ाम या जो भी कार्य लॉन्च होते हैं, किसी भी तरह की जो बात की जाती है, सरकार की नीतियां आती हैं, उनके ऊपर विरोधाभास प्रकट करती है। खासकर भूपेंद्र हुड्डा बहुत ज़्यादा उसमें सक्षम नज़र आते हैं, हमेशा वोकल होते हैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, और उन्होंने अधिकतर कानून की बात बहुत करी है कि धांधली की सरकार है और कानून व्यवस्था हरियाणा में पूरी तरह से नेस्तनाबूत है। कैसे देखते हैं ये, क्यों ऐसा, क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, उन्होंने जो जनता के अंदर वास्तविकता है केवल और केवल आंकड़ों के आधार पे, एक फ़र्क है हमारी, शायद दूसरी पार्टी नारे देती है, प्रोजेक्शन देती है, हमारे जो नेता आते हैं, आपने किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो नारे देने से बचकर वो आंकड़े पेश करते हैं, वो कहते हैं ये आंकड़ा है, तो फैक्ट्स दिखाते हैं, जो आईना है जनता, एज अ विपक्ष हमारी भूमिका भी यही है कि हमें जनता की आवाज़ बनकर सामने आना है, और वही आवाज़ वो उठाते हैं। अब आज की तारीख में वास्तविकता है कि क्राइम कितने हिसाब से बढ़ा है, और मैं अपने हलके की बात कर लूँ, पिछले 2 हफ्ते के अंदर कम से कम 3 मर्डर की घटना है मेरे हलका, जो शांतिपूर्वक, मैं कहता हूँ शांति प्रिय क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह के कोई नशे की बढ़ रहा है उसके कारण भी एक बहुत बड़ी, तो ये सामने वास्तविकता है, वो वास्तविकता, करप्शन की बात कर लीजिए, हर एक तरह का जो घोटाला सामने आया, चाहे जीरी का बात हो, चाहे जो भर्तियों के अंदर बारी बारी एग्जाम रद्द कर दिए गए, तो हर चीज़ का आपके सामने है, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो तथ्यों से दूर थी, उन्होंने कहा ये जनता की बात है और सामने दिखाई दे रहा है, और मगर सरकार शायद उसको अभी भी अनदेखी करने का प्रयास कर रही है, उनको लगता है कि जनता हमारे लुभावने बातों पे चल रही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक वास्तविकता युवा नहीं। नेता होने के नाते आप किस तरह से हरियाणा के युवा को मैसेज देना चाहते हैं कि आगे भविष्य कैसा हो हरियाणा के युवा का? देखिए, मैं भविष्य ये मानता हूँ कि उसकी, कई बार हम ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये सोचते हैं कि हम, अब मैं ट्विटर और पे या कई बार देखता हूँ लोग बस केवल किसी भी जो नेता की भी बात कर लो, वैसे भी अपने बैठ के अपनी अपना माइंड ज़रूर जाहिर करते हैं, बट वो कटाक्ष कर दिया ये भी, जैसे ये जिम्मेवारी केवल कुछ लोगों की है, ये जिम्मेवारी कुछ लोगों की नहीं है, आपका जिम्मेवारी केवल और केवल सिर्फ चुनाव में चुनने तक नहीं है, आपकी जिम्मेवारी सही व्यक्ति को भी चुनने की है, और उस सिस्टम पे नज़र रखते हुए सही सिस्टम को बनाने में हम सब की भूमिका है, अगर हमें करप्शन रोकनी है तो हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिस दिन हम उस करप्ट सिस्टम से दूर हटने का प्रयास करेंगे कि हमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ अपने आप सिस्टम बदलने लगेगा, तो युवाओं को एक खास भूमिका है, अगर सही चीज़ों को, सही गुणों को नेताओं के अंदर भी वो देखते हो, उनको उन मापदंड के हिसाब से उनको एनालाइज करने का काम करेंगे, स्कोर करने का काम करेंगे, मौका देने का काम करेंगे, तो अपने आप राजनीति बदलती हुई दिखाई देगी, अगर हम मुद्दे ही जो कुछ हमें परोस दिए जाते हैं उन मुद्दों के ऊपर ही हम सीमित रहेंगे, तो आपको वहीं उसी तरह का भारत और उसी तरह का हरियाणा आपके सामने दिखाई देगा। कुछ मौका परस्त लोगों की सरकार है, बेमेल सरकार है, धरातल पर और डिसीजन लेने पर जिस तरह का बेमेल आज की सरकार में हो रहा है, आने वाले समय में हरियाणा के लिए और भी चैलेंजेस सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ कहना था हमारे साथ समाज पर चर्चा कर रहे अमित सिहाग, जो कि कांग्रेस विधायक डबवाली से थे आज हमारे साथ। तब फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।